अभी गिरेगा गाइस, देखना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है गाइस वो। हेलो गाइस, वेलकम टू बुलू मोटर्स। मेरा नाम है प्रथम सर और मैं फिर आ गया एक मौका के साथ। तो गाइस आज हेलो गाइस, वेलकम टू बुलू मोटर्स। मेरा नाम है प्रथम सर और मैं फिर आ गया एक मौका के साथ। तो गाइस आज हम जा रहे हैं फिनिक्स मॉल। विल उधर जाने का कोई स्पेसिफिक रीजन तो है नहीं, बट आज इलेक्शन का दिन है, सारा कुछ बंद है एंड हमें करने को कुछ है नहीं, तो मैं सोचा क्यों ना वहाँ जाके कुछ देख लिया जाए। तो अभी मेरे साथ है यहाँ पर हमारी दोस्त आदिति घानेकर एंड अभी आधे रास्ते हम लोग निकल चुके, कोई खाली स्पॉट ढूंढ रहे थे एंड ये रहा हमारा खाली स्पॉट। प्लस ये ट्रेन 50 बार आ जाती है यहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे वीडियो कट करना पड़ता है, एक बार में वीडियो आता नहीं है। थोड़े दिनों में माइक खरीद लेंगे हम एंड उसके बाद आगे का कर लेंगे। तो अभी हमारी बाइक लेते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से। मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ मेरी, ये चेक करो, ये रही हमारी प्यारी। ओह गाइस, फाइनली हम फिनिक्स मॉल में पहुंच गए एंड पार्किंग मिल गई है मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे बाल इतने बिगड़ गए पसीने की वजह से, धूप इतनी थी। इतना रिवर्स मत चल, पीछे भी देख लिया कर, किसको भी ठोकती रहेगी तू। तो गाइस अभी जाते हैं मॉल के अंदर एंड देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिले तो। इधर मोस्ट ऑफ हमें एम्बुलेंस के अलावा कुछ मिले या नहीं इंटरेस्टिंग करने को, एंड मैं तो फिनिक्स आता ही एम्बुलेंस जाने के लिए, इसका मालूम नहीं। तो क्यों आती है भाई, और कुछ तो रहेगा, देखते हैं अंदर जाते हैं। सो गाइस फाइनली थोड़ी राहत मिल रही है, यहाँ एसी चालू है तो अच्छा लग रहा है। पसीने से सारे बाल देखो भीग गए हैं, अच्छा सेट करके आया था, सब बिगड़ गया आकर। आधा तो हेलमेट बिगाड़ देता है क्या। हाँ तो जाके देखते हैं ना वहाँ पर, क्या और तू एलिवेटर पे क्यों चल रही है और चला रही है मुझे। मैं भी तेरे पीछे चल रहा हूँ। मैं भूल गया था कि एलिवेटर पे अपन। सो गाइज ये पलेडियम फिनिक्स मॉल एंड ये रहा एम्बुलेंस। सो गाइज ये वंडर वूमेन नहीं, ये चंडाल वूमेन है। कहीं से भी वो अच्छी या सुपर हीरो नहीं दिख रही है, हीरोइन। गाइस क्या इग्नोर मारी हो बच्ची ने, लिटरली मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको ऑफिस से, इसका एक्सप्रेशन तो छोड़, वो बच्ची ने एपिक सीन्स कर दिया। अब तक डिसअपॉइंटेड है। बच्ची भी नहीं लूज। ये चेक करो, ये रही आदिति हमारी, फिलहाल वो कुछ ना कुछ अतरंगी काम ही करती रही है। तू क्या है भाई, तू कैमरा में है। ये देख यार, तू मेरे को ऐसे मत बोल, मैं सबको बता रहा था। ये रही हमारी आदिति, ये वाली, और तू लिटरली उधर वही कर रही थी, झूला झूल रही थी। वो देखो ये अंकल का बचपना नहीं है। सो गाइज अभी हैंगमैन करके एक चैलेंज है यहाँ पर एंड देखते हम, ये बंदा यहाँ लटका है 2 मिनट तक, जो यहाँ टंगा रहेगा उसको पीछे से कोई भी गिफ्ट मिलेगा। तो ये हमारी आदिति गई है देखने एंड इनका स्टार्ट हो गया राउंड 1:18:98। मुझे गारंटी वो बंदा पास नहीं होने वाला है, 2 मिनट तक लटकना कोई खाने का काम नहीं है, देखते हैं अभी। अब गिरेगा देखो, अभी गिरेगा गाइस, देखना वो टोल्ड यू। बहुत डिफिकल्ट टास्क है गाइस वो। तो गाइस पोलू हैंगमैन बन चुका है, लेट्स सी वो ये 120 सेकंड सरवाइव कर पाएगा हैंग करके, और मुझे आज दे देगा टेडी बेयर, एंड इफ नॉट देन ही इज गॉन गाइस। तुम लोग को उसके नहीं दिखेंगे व्लॉग्स इसके बाद, फिर इज गॉन गाइस। एज यू ऑल कैन सी हम 50 सेकंड्स पर पहुंच चुके हैं। पोलू नहीं,
सो गाइस फाइनली हमने कर लिया बट फेल हो गए 19 सेकंड्स पर पोलो गिर चुका है। और ऑनेस्टली वो आदमी खुद बोल रहा था काफी अच्छा रिजल्ट है ना। और क्या बोल रहा था वो, मैं ध्यान नहीं था मेरे तो हाथ से पंप हो गए। कोई सब लोग से 1 मिनट पर छोड़ देते हैं। 1 मिनट 120 सेकंड 120 सेकंड का था ना ओवरऑल, तो इतना लंबा कोई लास्ट नहीं कर रहा था। 19 सेकंड भी बहुत होता है मैडम, तुम करो था डिफिकल्ट था, थोड़ा और होल्ड कर सकता था बट वो रॉड बहुत फ्री रहता था। कर लेता था तो मुझे टेडी मिल जाता था गाइस। अरे रॉड फ्री था ऐसा गोल गोल घूमता रहता है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं फिर भी मेरा ग्रिप टाइट गया एंड ओके स्टिल आई एम वी लॉस्ट इट। एनीवेज अंदर रहते तो उन लोग के लिए बहुत आसान रहता था ना, तभी यहाँ से जाते यार, तुम तो 19 बच्चे हुआ 19 भी नहीं कर सकते। लेकिन नहीं होता है वो, इजी लगता है, इतना इजी नहीं है। जाके ऐसे ही लटक गया फालतू में। हाँ चल फालतू में लटक। हाँ चलो गाइस अभी देखते हैं ये कितना देर लास्ट करती है। मैं तो भी 100 सेकंड्स था, मतलब 1 मिनट समथिंग 40 सेकंड्स एंड अभी इसका देखते हैं कितना देर ये लास्ट करने वाली है। हाथ इतने दुख रहे ना अभी भी गाइस, ऐसे भी मेहनत की निशानी बहुत है बट क्या करें। हाँ ये देखो हमारे चैलेंजर चल चल ट्राई कर चल। अरे हाँ ऐसा लटक। हाँ चल अरे टाइम पास कर रही है। ये हैंग हो गई है गाइस एंड 19 18 17। अरे हिल मत। अरे राहुल भाई ने बोला था गाइस तुम बच्चे के नहीं रहे। थैंक यू आ गया मजा आ गया गाइस। हैंगमैन इतना इजी नहीं है, मैं कैसे लास्ट किया हूँ ना मुझे मालूम। ओके देन आई एम प्राउड ऑफ यू पोलू। मजा आया ना कैसा जिला क्या रीजन। एक तो ट्रिक दिया तेरे को कि एक हाथ उल्टा पकड़ एक हाथ सीधा पकड़, उसमें भी तो लिटरली मैं वीडियो दिखाता हूँ गाइस जिसको अभी कितना सेकंड लास्ट की है एंड आप लोग तो देख के हंसते हो गए। चल टाइम टू लीव दिस प्लैनेट, नहीं टाइम टू लीव फैमिलीज। बहुत मजा आया आज इधर। आरसी कार लेने का मन था मेरा एज यूजुअल, ये बंदरिया बंदरों के साथ ये ढोल बजा रहे हैं। सो गाइज अभी सारा मस्ती मजाक करके हो गया यहाँ पर एंड निकल रहे हम लोग यहाँ से। कहाँ जाने वाले हैं? किधर जा रहे? खाने जा रहे हैं। उन लोग का तो रिवॉर्ड बहुत महंगा है ना, ना एंट्री फीस से तो ज़्यादा महंगा है लेकिन अर्निंग उन लोग का खतरनाक है क्योंकि 98-99% लोगों के हारने के चांसेस नहीं होते। अरे जा रहा नहीं हूँ उन लोग के पॉकेट में, आ रहा है क्योंकि लोग हारेंगे, लोग हार रहे तो 150-150 रुपया दे रहे। अब 10 लोग हारेंगे तो उससे में तो $1 का प्राइस कवर आराम से हो रहा है, $1-$5 का हो रहा है आराम से। बाहर जा रहे हैं लेक्सी कहीं खाने जा रहे हैं, डायरेक्ट रेस्टोरेंट में जाके मिलते हैं आपसे। सो गाइज अभी आ गए हम फिनिक्स मॉल से बाहर एंड पार्किंग में पहुंच चुके हैं। ये हमारी बाइक यहाँ पार्क्ड है तो अभी यहाँ से जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स में। लेट्स सी कहाँ पर, ताड़देव में जाना है मैकडोनल्ड्स। हाँ, ताड़देव में मिलते तो डायरेक्ट मैकडोनल्ड्स में मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग मैकडोनल्ड पहुँच गए एंड यहाँ पहुँचने में हमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। क्या आप बताना चाहेंगे क्या डिफिकल्टीज फेस की हमने? मेरे ऊपर पॉटी गिरी। वो नहीं, कैंसिल ये वाला पार्ट कट करेंगे। हम मैकडोनल्ड्स गए, मैकडोनल्ड्स में पानी नहीं था तो अग्री किया एंड फिर ऑर्डर देने गए तब उसने बोला कि यहाँ पर कोक भी नहीं और क्या नहीं था, कोई भी मिल्क शेक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कोक नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आता ना बर्गर खाने, तो फिर वहाँ से निकल गए हम लोग एंड उधर से निकल के हम वापस दूसरे मैकडोनल्ड्स में आए एंड यहाँ आने के बाद यस हम लोग ने टेबल चेंज किया और मैंने ये वाला चीज़ गलती से वहीं छोड़ के चले गया एंड किसी ने उठा के उसे दूसरों के साथ मिक्स कर दिया। तो काफ़ी मेहनत के बाद मुझे मिल गया वो एंड फाइनली हमारा ऑर्डर भी आ गया। तो ऑर्डर चले गए वेट पे। अभी 10 मिनट का यहाँ पर भी वेटिंग है तो बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है। भूखा हो गया
प्लस ये और एक प्रॉब्लम आ गई है, मेरा ये स्टिकर देखो कहीं पर हेलमेट लग गया मेरा, तो ये सारा निकल गया अब। हाँ तो अभी ये सारा निकाल दूंगा मैं, हेलमेट को एक बार बफ करवा लूंगा एंड उसके बाद PPF लगाकर फिर उस पर लगाऊंगा, तो देखते हैं अभी थोड़े टाइम में वो भी कर देंगे। सो गाइस आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड जिस लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट क्या कर देंगे, सब्सक्राइब फटाफट जाके कर लो। ओके okay?